मुख्यमंत्री कौन होगा, लगातार इसको लेकर कयासबाजी तेज है। बीजेपी के दफ्तर पर आप देख रहे हैं, यहाँ मुंबई में बैठकों का दौर चल रहा है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और लगातार महायुति के तीनों घटक दलों में दावेदारी और दमदारी जोरों पर है। लगातार शिवसेना हो या एनसीपी के कार्यकर्ता हो, वो ये मांग कर रहे हैं कि सीएम उनका होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे जो मौजूद है उनके मन में क्या है और उनकी जुबान पे किसका नाम है ये पूछ लेते हैं। किसका नाम है, कौन सीएम? देवेंद्र जी फडणवीस साहब। मतलब देवेंद्र फडणवीस साहब, देवेंद्र जी फडणवीस साहब, देवेंद्र जी फडणवीस साहब, देवेंद्र फडणवीस जी। पूछ लीजिए वो सब देवेंद्र फडणवीस का नाम लेंगे। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? यस, होना चाहिए। क्यों? उनका काम अच्छा है इसलिए। 133 जगह ली देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र जी फडणवीस सबसे ज्यादा सीएम क्यों होना चाहिए? सबसे ज्यादा सीट आई है भारतीय जनता पार्टी की और फडणवीस साहब का काम अच्छा है, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में सत्ता लाई है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को आना चाहिए सीएम के लिए। आपको बता दें कि बीजेपी की 132 सीट आई है, 14 कम है वो 278 की असेंबली में जो मेजॉरिटी फिगर मार्क होता है, और जाहिर तौर पे एक तरफ शिवसेना कैंप है, एक तरफ एनसीपी कैंप है, और शिवसेना की तरफ से भी ये लगातार दबाव हो रहा है कि उनका जो चेहरा था, कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे के तले आप लोग ने चुनाव लड़ा, तो शिवसेना के कार्यकर्ता कह रहे हैं शिंदे साहब होने चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले भी अगर लोग जो बिहार की बात करें तो बिहार में नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले नीतीश कुमार को शब्द दिया था, ये स्थिति यहाँ की नहीं है। और यहाँ पे जो चुनाव जीता गया है ये हिंदुत्व के मुद्दे पे जीता गया है, लड़की बहनों ने आशीर्वाद दिया है, और क्लियर कट अगर देवेंद्र फडणवीस जी की पूरी ताकत नहीं होती तो ये रिजल्ट नहीं आता। और हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार देवेंद्र फडणवीस जी लगभग मुख्यमंत्री बनने के मार्ग पर खड़े हैं, नहीं तो यहाँ आपको लगता है कि लगभग ऐसा ही होगा जो आप लोग चाह रहे हैं? ऐसे होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, देवेंद्र जी फडणवीस सीएम होंगे बिल्कुल। जैसा यूपी के अंदर में नाटक चल रहा था तो जैसे कार्यकर्ताओं ने योगी जी को लाके बिठाया, ऐसे कार्यकर्ता देवेंद्र जी को लाके बिठाएंगे। मजाक समझे क्या? मेहनत हम करेंगे और खरबूजा वो कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारे साथ है। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आई है, इसके वास्ते देवाबाहू सीएम बने। आप कह रहे हैं कि मेहनत आप लोग ने की, खरबूजा दूसरा नहीं खाया। भाई मेहनत आप पूछ लीजिए, अरे जालना विधानसभा के अंदर में जो उनका कैंडिडेट चुन के आया, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता मैदान में नहीं आते तो शिंदे जी की दोनों भी सीट नहीं लगती। ये सच है? आप लोग लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बहुत भूमिका? ऐसा है, 2 साल भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ भाई शिंदे को मुख्यमंत्री किया है, अभी देवेंद्र भाई फडणवीस ने 132 सीट लाई है, इसलिए देवेंद्र भाई फडणवीस मुख्यमंत्री होने चाहिए। और पांच साल का अतिशय अच्छा अनुभव देवेंद्र भाई फडणवीस को है, सब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। अच्छा, ढाई ढाई साल का होगा फॉर्मूला तो चलेगा? पूरा पांच साल। यहाँ पे देखिए कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जाहिर तौर पे एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने भी दर्ज की है, और यहाँ पे 5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस हो, देवा भाऊ तुम आगे बढ़ो, उसी बैनर के तले यहाँ पे लगातार मांग हो रही है कि मेहनत हम करें, खरबूजा कोई और खाए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे और देवा भाऊ ही सीएम होने चाहिए।